भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत में रामराज स्थापित करना है, भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म करना है, अलगाववाद कट्टरवाद जिहाद मजहबी उन्माद खत्म करना है, धर्मांतरण घुसपैठ रोकना है, माओवाद नक्सलवाद खत्म करना है, तो भारत के संविधान में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 20 बदलाव करने पड़ेंगे। भारत के संविधान में 20 संशोधन करना पड़ेगा। 125 बार संविधान पहले बदला जा चुका है, 20 और इसमें बदलाव करना पड़ेगा। वास्तव में अगर हम चाहते हैं भारत में रामराज स्थापित करना, भारत को विश्व गुरु बनाना, तो सबसे भारत जो संविधान में हमारे जो चित्र थे, भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान महावीर का चित्र, गौतम बुद्ध का चित्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का इसमें चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, भगवान नटराज का चित्र था, झांसी की रानी का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, उन सारे चित्रों को इसमें वापस लाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे संविधान में चित्र जोड़ने से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे आप भारत के संविधान में भगवान राम का चित्र जोड़ देंगे, अब उसके बाद स्कूलों में आप रामचरितमानस पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं कर सकती, कोई PIL फाइल भी होगी उसके खिलाफ खारिज हो जाएगी। जैसे भगवान इसमें कृष्ण का चित्र आगे आ जाएगा संविधान में, स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाई जाएगी, कोई उस पर विरोध नहीं कर पाएगा, ना उसको कोई रोक पाएगा। जैसे इसमें हनुमान जी का चित्र आ जाएगा, आप सुबह की प्रार्थना में हनुमान चालीसा पढ़ाइए, कोई नहीं रोके। जैसे इसमें गौतम बुद्ध का चित्र आ जाएगा, भगवान महावीर का चित्र आ जाएगा, आप उनके बारे में पढ़ाइए स्कूलों में, कोई रोक नहीं लगेगी। जैसे इसमें भगवान नटराज का चित्र आ गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र आया, गुरु गोविंद सिंह चित्र आया, अब गुरुवाणी को भी आप पढ़ाइए स्कूलों में, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले भारत के संविधान में उन चित्रों को लाना चाहिए जो चित्र नेहरू जी ने निकलवा दिए थे। दूसरा इसमें काम करना पड़ेगा, जो संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ये बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया में सभी देशों का एक ही नाम होता है, लेकिन भारत में दो दो नाम चल रहे हैं। आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया शब्द को हटाना पड़ेगा, सीधे लिखना पड़ेगा भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब उस बदलाव को करने के लिए, आर्टिकल 1 को बदलने के लिए या संविधान में चित्रों को जोड़ने के लिए आपको दो तिहाई बहुमत चाहिए, दो तिहाई बहुमत लोकसभा में, दो तिहाई राज्यसभा में। अगर दोनों में अलग अलग बहुमत न हो तो आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए, ज्वाइंट सेशन में दो तिहाई प्रूफ करिए। अब दो तिहाई प्रूफ करने का मतलब टोटल चाहिए 521 सांसद। राज्यसभा में एनडीए के पास कितने हैं, 117, यानी लोकसभा में कितने चाहिए, 521 माइनस 117, 521 माइनस 117 इज इक्वल टू 404। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये बदलाव हो तो आपको 404 सांसद चाहिए। सारे चित्रों को जोड़ने के लिए भी 404 चाहिए, इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया हटाने के लिए भी 404 चाहिए लोकसभा में। अगर आप चाहते हैं कि भारत में ये जो विदेशी सोच बढ़ती जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इमरजेंसी के दौरान इसमें शब्द जोड़ दिया गया था सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, इसकी कोई जरूरत नहीं भारत के संविधान में। संविधान बनते समय इन दोनों शब्दों पर चर्चा हुई थी, सोशलिज्म सेकुलरिज्म पे बाबा साहब अंबेडकर ने भी रिजेक्ट किया था, संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने इसको जोड़ दिया, उसको निकालना पड़ेगा। प्रियम्बल को अमेंड करना है तो दो तिहाई बहुमत चाहिए, यानी लोकसभा में कम से कम 404 सांसद चाहिए। आप चाहते हैं भारत में अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, उसका एक ही तरीका है, सबसे पहले वन नेशन वन पुलिस कोड हो, पूरे देश की पुलिस के लिए एक कानून हो। अभी पुलिस का बिहेवियर अलग अलग है क्योंकि पुलिस राज्यों के अधीन में है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, दिल्ली पुलिस अलग तरीके से काम करती है। बंगाल की पुलिस तो कई बार ऐसा होता है बलात्कारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं करती, संदेश खाली में आप देख चुके हैं। तो पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार करे, एक तरीके से काम करे, अपराधियों के ऊपर टूट पड़े बुलडोजर लेके, उसका एक ही तरीके है, भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड हो। उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करने के लिए फिर से वही बात हो गई, अब की बार 400 पार करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि भारत में फटाफट मुकदमों की जांच हो, जल्दी जल्दी FIR लिखा जाए, जल्दी जल्दी जांच हो, यानी एक घंटे के अंदर FIR हो, एक महीने के अंदर जांच पूरी हो, तो भारत में एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। ये आपके सामने दिख रहा होगा ना, फेडरल पिनल कोड अमेरिका में चलता है, ये वहां का वन नेशन वन पिनल कोड है। हमारे देश में क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार अपराध से निपटने के लिए 50 कानून चल रहे हैं, घूसखोरी का अलग, जमाखोरी अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी का अलग, मानव तस्करी का अलग, अलगाववाद अलग, कट्टरवाद अलग, जिहाद अलग, मजहबी उन्माद अलग, धर्मांतरण अलग, घुसपैठ अलग, बलात्कार अलग, दुनिया भर के कानून। FIR लिखना मुश्किल हो जाता है, जांच पूरा करना मुश्किल हो, पूरा कानूनों का मकड़जाल है ना। तरीका क्या है, वन नेशन वन पिनल कोड, जैसे ये अपना फेडरल पिनल कोड है ना, इसी में सारे अपराध, हर अपराध के लिए एक चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, मान लीजिए 200 तरीके के अपराध हैं, तो 200 चैप्टर इसमें बना दीजिए और सारे चैप्टर के लिए उसी में लिखते चले जाइए कि अपराध कैसे होगा, इसको आइडेंटिफाई कैसे होगी, इसकी जांच कैसे होगी, दंड कितना होगा, तो एक ही किताब में वो जो 50 कानूनों का मकड़ जाल चला वो खत्म होकर एक ही किताब में आ जाएगा।
तो वन नेशन वन पिनल कोड बनाने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 14 में जहां लिखा है ना स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको बदलना पड़ेगा एंड स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे ही इतना आर्टिकल 14 में बदल देंगे एंड शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वन नेशन वन पिनल कोड का रास्ता खुल जाएगा, वन नेशन वन पुलिस कोड का भी रास्ता खुल जाएगा। आपको अगर संविधान में ये जो आर्टिकल 19 है ये बोलने की आजादी देता है, लेकिन बोलने की आजादी के नाम पे लोग झूठ बोल रहे हैं। सफेद सफेद पोष तो सफेद झूठ बोलते हैं। आप देखते हैं केजरीवाल सफेद झूठ बोलते रहते हैं, राहुल गांधी सफेद झूठ बोलते रहते हैं, बहुत सारे नेता अभिनेता सफेद झूठ बोलते रहते हैं। जानते क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आर्टिकल 19 लिखना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी। ये तीन शब्द जोड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी, इतना जोड़ना पड़ेगा आर्टिकल 19 में, तो झूठ को अपराध बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि जो ये PFI जैसे संगठन जो बने हुए हैं, बहुत सारे अलगाववादी संगठन आतंकवादी संगठन बने हैं, इनको आतंकवादी संगठन बनाने की कहां से पावर मिलती है? वो भी आर्टिकल 19 से मिलती है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। लेकिन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में कोई लिमिट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, इतना आपको ऐड करना पड़ेगा। इतना ऐड करने के लिए आपको आर्टिकल 19 में बदलाव करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो रोजगार के नाम पे, व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं, हुक्का बार खुल रहा है, बियर बार खुल रहा है, डांस बार खुल रहा है, नहीं पता नहीं क्या क्या व्याभिचार के अड्डे खुलते चले जा रहे हैं, उसको कहां से पावर मिलती है? आर्टिकल 19 से। तो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ बिजनेस है उसको सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी करना पड़ेगा, उसमें एक लिमिट लगाना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, इसलिए फिर वही बात हो गई, उसमें भी लोकसभा में 404 चाहिए, राज्यसभा में 117, दोनों मिला के 521, तब जाके आर्टिकल 19 बदल पाएगा। भारत में सफेदपोश नेता नौकरशाह झूठ बोलते रहते हैं, पकड़े जाते हैं, पुलिस उनको पीट नहीं पाती क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री, उनसे सच उगलवा नहीं पाती। गरीब आदमी हो आम आदमी हो तो पुलिस उसको चार डंडे मारेगी, वो सच उगल देगा। अब केजरीवाल जैसे आदमी को, सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को पुलिस कहां से पीटेगी? अब न केजरीवाल सच बोलेंगे न सोरेन सच बोलेंगे, पुलिस न केजरीवाल को पीटेगी न सोरेन को पीटेगी, तो पुलिस सच्चाई सामने आएगी कैसे? तो उसकी जरूरत क्या है? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए, हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट बनाया जाए, भारत में एक वन नेशन वन एविडेंस कोड बनाया जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट है, तो उसको बदलने के लिए 400 चाहिए, 404 सांसद चाहिए लोकसभा में। इसी तरीके से भारत में आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन है। अब राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना है, क्योंकि गुलामी वाले स्कूल चल रहे मुगलों के समय, जो मदरसे शुरू हुए, अंग्रेजों के समय जो मिशनरी स्कूल शुरू हुए वो भी चल रहे, मदरसे कुछ अलग पढ़ा रहे, मिशनरी स्कूल कुछ अलग पढ़ा रहे, CBSE बोर्ड वाले कुछ अलग पढ़ा रहे, ICSE बोर्ड वाले कुछ अलग पढ़ा रहे, UP बोर्ड वाले अलग पढ़ा रहे, दिल्ली बोर्ड वाले अलग पढ़ा रहे, 40 तरीके का सिलेबस चल रहा है। तो भारत में 10वीं तक सबकी समान शिक्षा हो, सबका वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, एक उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 21A को जहां राइट टू एजुकेशन लिखा है उसको राइट टू इक्वल एजुकेशन करना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। ऐसे दूसरा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया। विदेशी चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए, भारत की चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए 1954 बनाया ड्रग एक्ट। और नतीजा यह है कि आज की डेट में योग नेचुरोपैथी आयुर्वेद पे भारतीयों को भरोसा नहीं है, भारतीयों को भी एलोपैथी भरोसा है जो 200 साल पहले शुरू हुई। भारतीयों को चरक के बारे में नहीं पता, महर्षि सुश्रुत के बारे में नहीं पता, महर्षि सारंगधर के बारे में नहीं पता, महर्षि माधवकर के बारे में नहीं पता, महर्षि वाग्भट के बारे में नहीं पता, महर्षि भावप्रकाश के बारे में नहीं पता, उनके रिसर्च के बारे में नहीं पता, उन्होंने क्या किताबों में लिखा है नहीं पता। जो महर्षि धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि सारंगधर, महर्षि भावप्रकाश, ये सब लिख के गए हैं, उनको मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता। तो क्या करना पड़ेगा? एक नया सेक्शन जोड़ना पड़ेगा, आर्टिकल 21B, वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड। उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना है संविधान में, उसके लिए भी 400 चाहिए। भारत में वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, जजों के लिए मैंडेटरी हो जाए, एक साल के अंदर मुकदमा देना ही देना पड़ेगा। तो राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, लेकिन जस्टिस कितने दिन में होना लिखा नहीं है, तो राइट टू जस्टिस विद इन ईयर, इतना जोड़ना पड़ेगा संविधान में, एक सेक्शन जोड़ना पड़ेगा, आर्टिकल जोड़ना पड़ेगा, आर्टिकल 21C। अब संविधान में फंडामेंटल राइट में बदलाव करना है तो 400 चाहिए। इसी तरीके से पूरे देश में जो धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, वो आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट, उस प्रोपोगेट के निकालने के लिए भी आपको 400 चाहिए। भारत में मठ मंदिर के लिए 35 कानून, मजार दरगाह मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं,
एक वन नेशन वन एंडाउमेंट कोड यानी समान धर्मस्थल संहिता बनाने के लिए आर्टिकल 26 में एक प्रोविजन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 26 भी फंडामेंटल राइट है, इसलिए उसके लिए भी आपको 400 पार करना पड़ेगा। इसी तरीके से आर्टिकल 29-30 जिसके कारण पूरे देश में अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलती है, तुष्टिकरण की जो नीति चलती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट ही खत्म करना पड़ेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आर्टिकल 29-30 को निकालना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, बदलाव से भी काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 29-30 जो कि फंडामेंटल राइट है उसको बदलने के लिए 400 पार चाहिए। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, अभी पूरी जुडिशरी मिक्स हो रखी है, एक वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाने के लिए आर्टिकल 50 में बदलाव करना पड़ेगा। आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है आपको भारत को मानना है, भारत की संस्कृति को मानना, भारत की परंपरा को मानना है, महिलाओं का सम्मान करना है, वैज्ञानिक सोच विकसित करनी है, काला जादू अंधविश्वास को नहीं फैलाना है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में कोई दंड का प्रावधान नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिएबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी जो माने तो भी ठीक ना माने तो भी ठीक, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी को बदलाव करना पड़ेगा, उसमें दंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको 400 पार करना पड़ेगा। और अगर भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करना है तो भी आपको 400 पार करना पड़ेगा। ये जितने कानून टैक्स चल रहे हैं ना, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, वैट, ये जो दुनिया भर का मकर जाल चल रहा है, ये सब खत्म हो, केवल एक्सपेंडिचर टैक्स लगे, जो आदमी जितना खर्च करेगा उतना टैक्स देगा, कमाई पे कोई खर्चा नहीं, केवल खर्च करने पे ही टैक्स लगेगा, कमाने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वन नेशन वन टैक्स लागू करना है तो भी आपको इसमें बदलाव करना पड़ेगा। कहने का मतलब समान शिक्षा लागू करना है तो भी 400 पार चाहिए, समान चिकित्सा व्यवस्था लागू करना है तो भी 400 पार चाहिए, समान पुलिस व्यवस्था लागू करना है तो भी 400 पार चाहिए, समान दंड व्यवस्था लागू करना है तो भी 400 पार चाहिए, समान न्याय व्यवस्था लागू करना तो भी 400 पार चाहिए, समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना तो भी 400 पार चाहिए, समान व्यापार व्यवस्था लागू करना है तो भी 400 पार चाहिए, समान धर्मस्थल व्यवस्था लागू करना है तो भी 400 पार चाहिए, समान कर व्यवस्था लागू करना है तो भी 400 पार चाहिए। तो मेरा इसलिए आपसे निवेदन है, आप खुद भी वोट करिए, परिवार के साथ वोट करिए, सभी यार दोस्त यार सबके साथ जाइए वोट करिए, लेकिन राष्ट्रहित में वोट करिए। और वोट करते समय 400 पार करते समय इन कानूनों की मांग जरूर करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जितना ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतनी जागरूकता आएगी, सबको पता भी चलेगा कि 400 पार कोई नारा नहीं है, 400 पार आवश्यकता है। अगर 400 पार हो जाएगा अलगाववाद खत्म होगा, जिहाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, धर्मांतरण खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगा। 400 पार नहीं होगा तो सड़क बनेंगे, स्कूल बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, लेकिन जो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी कानून है वो नहीं बन पाएगा। संविधान में संशोधन किए बिना न राम राज्य आएगा, संविधान में संशोधन किए बिना भारत विश्वगुरु भी नहीं बन पाएगा, संविधान में संशोधन किए बिना एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।